₹40 के भाव पर 5 लाख शेयर खरीद के बैठे हैं सर, क्या बात है ना। यहाँ पर हमें GDL से ऐसी उम्मीद है कि आने वाले समय में हमें करोड़पति तो बना ही देगी, ये बात तो तय है। कितने सारे बड़े बड़े एनालिसिस हैं, रिसर्चेस हैं, कितने सारे बड़े बड़े रिसर्चेस हैं जिन्होंने ये बातें कह दिया है पहले से, है ना। कंपनी हर बार अपने बारे में बता रही है कि हम जो है बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं और आने वाले समय में जो है मल्टी बिगेस्ट कंपनी जो रिटर्न देगी। ऑफिशियल सारे डेटा आ रही है कंपनी की, सारी न्यूज़ ऑफिशियल निकल के आ रही है, बताइए आपको। ऐसे ही कुछ कमेंट आया मुझे अपने यूट्यूब चैनल पर एक भाई का, 5 लाख रुपया। मैंने यहाँ 5 लाख शेयर नहीं खरीद के बैठा हूँ, यहाँ पर एक भाई हैं जिनका नाम अनित भाई हैं, उन्होंने हमें कमेंट किया, आई हैव 5 लाख शेयर्स 2.40, क्या करें, होल्ड एग्जिट। उनका कहने का मतलब है कि हमने ₹2.40 के भाव पर शेयर खरीद के रखा है GTL इंफ्रा का, हमें क्या करना चाहिए, निकल जाएं या फिर होल्ड करें। मैं आपको एक बात पहले कह देता हूं, और मैं कई बार कहा हूं सर, एक बात कहे कि मैं 100 बात कह दिया, और उन 100 बार में मैंने आपको कहा है कि GTL इंफ्रा जो शेयर है वो बढ़िया नहीं है, इसके फंडामेंटल सही नहीं है, कंपनी में कुछ सुधार आ रही है, लेकिन ये वो शेयर नहीं है जहां आप 10 लाख रुपये लगा दो। यदि कोई व्यक्ति यहां 5 लाख शेयर जो है वो खरीद के बैठा है ना, अगर ₹2.40 के भाव पे, 40 पैसा साइड कीजिए, उसको बाद में जोड़ लीजिएगा, ₹2 के हिसाब से जोड़ा जाए ना, तो 10 लाख रुपये ये जो भाई हैं उन्होंने लगा रखे हैं सर, 10 लाख रुपये यहाँ लगा रखे हैं, 10 साल बीत गए शेयर ऊपर ही नहीं जाता है, है ना। और यहीं 1 साल के अंदर आप देखिएगा टाटा स्टील, टाटा पावर, TTML, अडानी का शेयर, यहाँ पर सुजलन एनर्जी, तमाम ऐसे PSU स्टॉक्स जो कि मल्टी बेगस रिटर्न दे चुके हैं अपने निवेशकों को, वहाँ पर यदि आप यही 10 लाख रुपये को लगाते ना, तो अभी कम से कम आपको 30 लाख रुपये हो गया होता वहाँ पर। फिर मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं पैसा लगाने नहीं कह रहा हूँ, बस एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको। मैं सेबी वित्तीय सलाहकार नहीं हूँ, किसी भी जगह पे आपको इन्वेस्ट करने का राय नहीं दे सकता। शेयर को बेचना है, शेयर बेच करके निकलना है हमें, या फिर एग्जिट करना है कि होल्ड करना है, ये सारी राइट हमारी तो नहीं है, ठीक है। और देखिए मैंने क्या कहा था GTL में कि सर ये रिस्की शेयर है, आपको ज़्यादा तक ये हो रही है कि नहीं मुझे GTL रखना है अपने पास, रख लीजिए 1000-2000 शेयर, ठीक है, 1000-2000 शेयर रख लीजिए, ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो, वरना दूर रहिए इससे। अब लोग जो हैं उन्हें क्या लगता है मैं बता रहा हूँ, और ये सारे बिगनर्स की यही हाल है। अब बिगनर से आप बुरा नहीं मानिएगा, मैं भी बिगनर्स हूँ, ठीक है। GTL में आप 10 लाख लगा के बैठे हो तो बहुत बड़ी रिस्क आप अपने ऊपर ले रहे हो, बहुत बड़ी रिस्क। 10 लाख रुपए छोटे अमाउंट नहीं होते हैं सर, मैं फिर से आपको ये बातें दोहरा रहा हूँ। और मैं एग्जिट और होल्ड ये जो है ना, और बाय, इसका मैं आपको कोई सजेशन नहीं दे सकता, माफ़ कीजिएगा। आप क्या चाहते हैं कि अगले दिन हमारे वजह से किसी व्यक्ति का पैसा नुकसान हो जाए? मान लीजिए मैं आपको कह दूंगा कि आप रुकिए, और कल का शेयर जो है और गिर गया, आपका 10 लाख रुपये पता है 5-5 पैसे कम हो करके ना 3-4 लाख हो जाएंगे, यकीनन बताइएगा क्या आप वो जो पैसा घटेगा उसको देख करके उस स्थिति को झेल पाएंगे? बिल्कुल नहीं, कोई नहीं झेलता। जब स्टॉक ड्रॉप होना शुरू होता है ना, तो लोगों का यहाँ दिल धड़कने लग जाता है और जो ब्रेन है ना वो काम करना बंद कर जाता है लोगों का, क्योंकि पैसा घट रहे हैं, सीधा लोगों को ये दिखता है। तो मैं यही कहूँगा, आप किसके कहने पर निवेश किए और क्या सोच के निवेश किए सर इतना ज़्यादा अमाउंट, ये तो मैं नहीं बता सकता, पर ये अब आपके ऊपर है, आप बेचिए या फिर आप होल्ड कीजिए। मैं कोई अपना पर्सनल एडवाइस नहीं दे सकता, और वैसे शेयर बहुत ख़राब है, मैं फिर से कह रहा हूँ। फंडामेंटल सुधर रहे हैं, वो ख़राब भी हो सकते हैं अगले बार क्वार्टरली रिजल्ट में, है ना। बाकी GTL में जो आप FIIs को देखते हो ना, वो हर बार निकल रहे हैं, DIIs को आपका पता है वो सारे कौन है जो लोन दे करके रखे GTL इंफ्रा को, जिस दिन वो देखेंगे कि GTL इंफ्रा से अब कुछ होने वाला नहीं है, वही लोग उसको कोर्ट में घसीट देंगे कि मेरा पैसा रिकवर करना है हमें जी इस कंपनी से। तो चीज़ों को देखिए, समझिए, सोचिए, फिर आप किसी शेयर में जाइए। और आपको जानकारी के लिए एक बात बताना चाहता था कि अभी फॉरेन कंट्री के जो इन्वेस्टर है ना FIIs, वो इंडिया का मार्केट से निकल रहे हैं, एग्जिट मार रहे हैं, निफ्टी 50 भी यहाँ पे डाउन होता हुआ आपको दिख रहा है, हो सके चुनाव के बाद थोड़ा जो मार्केट है और ज़्यादा क्रैशेस दिखा दे, तो चीज़ों को समझते हुए चलना है। और ये भाई जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए हैं, क्योंकि इनका अमाउंट बहुत ज़्यादा है। इन्होंने एक बंदे जो है वो 70 पैसे पे कमेंट किया, उनको भी इन्होंने कमेंट करके बोला कि और कितना नीचे जाएगा। देखिए एग्जिट मतलब सेल ऑर्डर ज़्यादा लग रहा है GTL इंफ्रा में, ठीक है, तो यहाँ पे GTL इंफ्रा का शेयर जो है ना और ज़्यादा आपको ड्रॉप यहाँ पर दिखाएगा। बहुत ही रिस्की शेयर में आप बहुत ज़्यादा पैसा लगा के बैठे हो तो आपको तो जो हो रहा होगा मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आपने बहुत बड़ी गलती की है। इसी 10 लाख को सर
अगर आप हिमाद्री जैसा कंपनी में लगा देते हैं, 99 रुपये का शेयर था, अभी 300 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 10 लाख आपका 30 लाख हो गया होता अभी। भले ही शेयर का क्वांटिटी आपके पास कम रहता, कुछ कम से 1000-5000 शेयर रहते, नहीं रहते 5 लाख, पर पैसा तो बढ़ता ना। पेनी स्टॉक और बेस्ट स्टॉक का यही एक स्ट्रेटजी है जो लोग समझते हैं। लोगों को क्या लगता है ना, हम 1 लाख शेयर रखेंगे और किसी दिन वो 1 लाख वाला शेयर जो है 5 रुपये भी चला गया तो हमें जो है सीधा कैलकुलेशन मारते हैं कि हमें 5 लाख हो जाएंगे, अगर 50 पे चल गया तो 50 लाख हो जाएंगे। उनका मन में ये चलता है, पर वो कभी ये सोचते ही नहीं है कि 1 रुपया वाला शेयर 50 पे क्यों जाएगा, और जाएगा तो उस कंपनी के कुछ तो खूबी होंगी, उनके काम बेहतरीन होंगे, फ्यूचर को लेके काम कर रहे होंगे, कोई नया इनोवेशन, कोई नई टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे होंगे। कुछ ऐसा नहीं रहता उस पेनी स्टॉक, और लोग जो है आंख बंद करके पैसे डालते जाते हैं। क्या कहें, हजारों कमेंट आते हैं हमें, कुछ कमेंट जो है वो यहाँ शो होते हैं, कुछ कमेंट को यूट्यूब पता नहीं क्यों ब्लॉक कर देता है, हमें समझ नहीं आता यूट्यूब की कुछ एल्गोरिथम की, पर वो ऐसा होता है। बहुत सारे कमेंट आते हैं सर, बहुत सारे शेयर को लेकर के, और मैं हर शेयर के बारे में डिटेल बताता हूँ, वीडियोस विदाउट स्किप देखिए तब समझ में आएगा, मैं अंत में यही कहना चाहूँगा। और नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सर, बड़े अच्छे अच्छे वीडियोस वहाँ पे डालने वाला हूँ, अभी नहीं बना रहा हूँ वहाँ पे वीडियोस, पर आने वाला है बहुत जल्दी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।